यह है मैनपुरी जिला, जो भारत के उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य का एक प्राचीन व ऐतिहासिक जिला है। मैनपुरी जिला अपने ऐतिहासिक किलो व धार्मिक तीर्थ स्थलों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध रहा है। यह जिला उत्तर प्रदेश राज्य के पश्चिमी हिस्से में बसा हुआ है। मैनपुरी जिला आगरा मंडल के अंतर्गत आता है और जिला मुख्यालय मैनपुरी शहर है। मैनपुरी जिला अपने कई पड़ोसी जिलों से घिरा हुआ है। मैनपुरी जिले के पूर्व में कन्नौज जिला, पश्चिम में फिरोजाबाद जिला, उत्तर में एटा और फर्रुखाबाद जिला, दक्षिण में इटावा जिला स्थित है। प्राचीन समय में इस जिले की रियासत पर चौहान वंश के शासकों का शासन हुआ करता था, जिन्होंने यहाँ पर किला व मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिसके बाद 1526 के दौरान यहाँ पर मुगलों का शासन रहा। मैनपुरी जिला आज भी कई सारे राजाओं के रियासतों के उत्थान और पतन की गवाही देता है। अगर सड़क पर दौड़ती हुई ज्यादातर गाड़ियों की नंबर प्लेट पर UP 84 दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि मैनपुरी जिले में प्रवेश कर चुके हैं। 2745 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले हुए मैनपुरी जिले की आबादी सन 2011 की सर्वे के अनुसार 18 लाख से ऊपर की है, जिसमें शामिल पुरुषों की आबादी 9,93,000 तथा महिलाओं की आबादी 8,75,000 है। वहीं मैनपुरी जिले के लिंगानुपात की बात करें, मैनपुरी जिले में 1,000 पुरुषों पर 881 महिलाएं हैं। शिक्षा के मामले में मैनपुरी जिला काफी आगे है। जिले की कुल लिटरेसी रेट 75.99% है। गजराज सिंह डिग्री कॉलेज, गोपी राम महाविद्यालय, चंद्रकमल महाविद्यालय, कुसमरा महिला विश्वविद्यालय जैसे अन्य शिक्षण संस्थान मैनपुरी जिले में मौजूद हैं। जाति धर्म के अनुसार मैनपुरी जिले में 93.48% हिंदुओं की आबादी, जबकि 5.39% मुसलमान, 0.47% बौद्ध, 0.22% जैन, इसके अलावा 0.53% अन्य धर्मों के लोग रहते हैं। प्रशासनिक दृष्टिकोण से मैनपुरी जिले में 6 तहसीलें मौजूद हैं, जिसमें शामिल करहल, किशनी, मैनपुरी, गिरोर, भोगांव और कुरावली है। जिले में 14 पुलिस स्टेशन, 9 ब्लॉक, 552 ग्राम पंचायतें और कुल गांव की संख्या 868 है। मैनपुरी जिले की मुख्य अर्थव्यवस्था कृषि तथा यहां के छोटे बड़े उद्योगों पर निर्भर है। जिले के ज्यादातर लोग खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं। यहां पर उगाई जाने वाली मुख्य फसलें गेहूं, धान, मक्का, मूंगफली, आलू है, जो भरपूर मात्रा में उगाई जाती है। आवागमन के दृष्टिकोण से मैनपुरी जिला रेल मार्ग, सड़क मार्ग जैसे मार्गों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग मैनपुरी जिले का मुख्य रेलवे स्टेशन व मैनपुरी जंक्शन रेलवे स्टेशन है, जिसका स्टेशन कोड MNQ है। यह रेलवे स्टेशन शिकोहाबाद फर्रुखाबाद रेलवे लाइन पर मौजूद है। फर्रुखाबाद टूडा एक्सप्रेस, मैनपुरी आगरा कैंट एक्सप्रेस, कालिंदी एक्सप्रेस जैसी प्रमुख रेलगाड़ियां इस स्टेशन से होकर गुजरती है, जो आगे चलकर देश व राज्य के बड़े बड़े शहरों से जोड़ती हैं। सड़क मार्ग मैनपुरी जिले से होकर नेशनल हाईवे संख्या 91 गुजरती है, जो आगे चलकर एटा जिला से जोड़ती है। इसके अलावा मैनपुरी शहर में मौजूद रोडवेज बस अड्डा, जहां से देश व राज्य के बड़े बड़े शहरों को नियमित रूप से बसों को संचालित किया जाता है। मैनपुरी जिला अपने खूबसूरत पर्यटन स्थलों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध रहा है, जिससे यहां पर घूमने के लिए हर साल देश व राज्य भर से पर्यटक आते रहते हैं। मैनपुरी जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल शीतला माता मंदिर, लोहिया पार्क, समन पक्षी अभयारण्य, भीमसेन मंदिर, महाराजा तेज सिंह चौहान का किला जैसे अन्य कई खूबसूरत पर्यटन स्थल मैनपुरी जिले में मौजूद है। फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय लिखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।